माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग एवरी मन माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर जैसे कि एक बहुत अच्छी कहावत है हिंदी में कि अगर आप एक को साध लोगे आपको सबको साधने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सबको साधने की कोशिश में लगोगे तो किसी को भी नहीं साध पाओगे तो ये जो कहावत है आज के हमारे प्रोडक्ट पे बिल्कुल लागू होती है देखिए जिस चीज के बारे में बात करी थोड़ा सा सर ने भी उसके बारे में इंडिकेट किया है वो जो हमारी चीज है किसी भी तरह के ज्वाइंट्स पेन के लिए रामबान है जिसे हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं और यह हमारे माय रिचार्ज का एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है अगर किसी भी तरह के पेन कहीं पर भी बॉडी में आपको है ज्वाइंट से रिलेटेड है आर्थराइटिस से रिलेटेड है तो आप इस प्रोडक्ट को अगर यूज करते हैं रिकमेंड करते हैं यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा फायदा होगा इसके बहुत सारे बेनिफिट है क्या क्या इसमें डाला गया उसके बारे में अभी हम देखते हैं देखिए ये क्यों बेनिफिट है ग्लूकोमाइन जो है गठिया और जोड़ों के दर्द से राहत प्रदान करता है यह नए कार्टिलेज भी बनाता है और जो ऑलरेडी कार्टिलेज मौजूद है उसको वो दुरुस्त करता है हेल्दी बनाता है हड्डियों में जो ये तरल चिकना पदार्थ जो पाया जाता है जिस लिक्विड की वजह से हमारे ज्वाइंट्स जो है वो अच्छे से काम करते हैं उस चिकने पदार्थ को बनाए रखने में यह सहायक होता है और जो ग्लूकोमाइन हमारी टेबलेट है इसके सेवन से ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो दिक्कत है जिन लोगों को बहुत ज्यादा पेन होता है इस समस्या से उनको इसमें बहुत आराम मिलेगा सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी हमारी बोन अस्थि से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उन लोगों के लिए अपने आप में रामबान है तो जोड़ों के दर्द को ये जड़ से खत्म करता है सबसे बेस्ट बेनिफिट इसका ये है आगे बढ़े जरा हम अब हम बात करते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की कि क्या क्या इसमें डाला गया है और ये क्यों अपने आप में रामबान है के लिए देखते हैं जरा सबसे पहला जो इसका इंग्रेडिएंट है वो ग्लूकोस एमएसएम एम एस एम है यानी कि मिथाइल सल्फो नील मिथेन जो है ये जो है ये ग्लूकोसामाइन का एक रूप ही है ये पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द में राहत दिलाता है बहुत ज्यादा जबरदस्त पेन होता है उन लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता यह जो है ग्लूकोसमाइन के किसी भी अन्य प्रकार से ज्यादा प्रभावी रूप से जोड़ों के दर्द को कम करने में हेल्पफुल है आगे देखिए जरा नेक्स्ट इसका है ग्लूकोमाइन अः देखिए ये जो है सल्फेटेड ग्लाइको ग्लाइकोसैमिक ग्लाइकोन कम्पोज यानी कि कंबिनेशन है ये कंपाउंड का जो कि वैकल्पिक कि जो हमारी ये कह लीजिए अल्टरनेटिव शुगर है उसको और ग्लूकोरिन एसिड की श्रृंखला को बनाता है दोनों को ये कंपोज करता है बनाता है ग्लूकोसमाइन जो है सल्फेट पुराने के लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है और उन लोगों को अगर दिया जाए तो उनको बहुत अच्छे बेनिफिट जो है मिलते हैं आगे बढ़े जरा जी अब नेक्स्ट हमारा जो है वो बॉसफेलस सरेटा है बॉसफेलस सरेटा या छल की वृक्ष हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ जो है इसको सरिन के नाम से या सलाई के नाम से जाना जाता है ये जोड़ों के लिए बहुत रामबान है इसका जो गोंद होता है और सैकड़ों वर्षों से आयुर्वेद में इसका उल्लेख किया गया है और बहुत लंबे समय से इसका जो है यूज किया जा रहा है ये घुटनों के दर्द के साथ साथ जोड़ों के दर्द पैर की जो एडी में पेन होता है जिन लोगों को उसमें बहुत आराम देता है कलाई के दर्द में भी बहुत उपयोगी पाया गया है और शलकी का जो वृक्ष है ये हमारे गुजरात हो गया मध्य प्रदेश हो गया बिहार हो गया राजस्थान हो गया ऐसे काफी एरियो में पाया जाता है जहां से गोंद इकट्ठा किया जाता है इसके अलावा जो शल्की का आयुर्वेद में उल्लेख किया गया है कि आप इसको अस्थमा डायबिटीज और स्ट्रॉक के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है साथ में ये सूजन को भी कम करता है ज्वाइंट पेन से जो सूजन होती है स्वेलिंग होती है उसको भी रिड्यूस करता है दांतों के लिए बहुत लाभकारी है बोन की हेल्थ जो हमारी ब्रेन होती है उसकी हेल्थ को भी मेंटेन करके रखता है क्योंकि इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि किसी भी तरह के फ्री रेडिकल के डैमेज से हमारी बॉडी को बचाते हैं यही कारण है कि ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन करता है हमारे यहाँ सर्दियों में गोंद बनता है गोंद के लड्डू बनते हैं आपके यहाँ सर्दियों में क्या बनाया जाता है प्लीज जब ये रिलीज हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा आगे बढ़े जरा रोज हिप गुलाब का डंठल गुलाब हम लोगों का फेवरेट फूल है तकरीबन लोग बहुत इसको इंजॉय करते हैं महक को और हम पत्तियों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जानते हैं कि पत्तियों से हम ये गुलाब जल बना सकते ये कर सकते उसमें एक छोटा सा डंठल बच जाता है वो भी अपने आप में बहुत फायदेमंद है पंखड़ियों के इस्तेमाल करने के बाद जो नीचे डंठल हम फेंक देते हैं गोल सा होता है इसे रोज हिप कहते हैं रोज हिप में पॉलिफिनोल्स और एंथोसायनिन कंपाउंड्स होते हैं जो कि जोड़ों की स्वेलिंग को कम करते हैं यह विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे लो एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड होता है आगे बढ़े जरा अदरक का अदरक हम सभी घरों में इस्तेमाल करते हैं हमारे किचन का एक कह लीजिए कि मास्टर है यह हम तकरीबन सब्जी में चाय में हम रेगुलर यूज करेंगे अब सर्दियों में अदरक जो है एंटीऑक्सीडेंट गुणों से होती, वजन कम करने के साथ साथ दर्द निवारक भी है कि पेन को भी ये क्या करती करती है है रिलीव आगे देखिए जरा अब बात करते हैं लौंगा की ये जो हमारी हल्दी होती है उससे निकाला हुआ एस्ट्रैक्ट होता है जो कि अर्थराइटिस और स्किन वाउंड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल माना गया है और इसका ये कह लीजिए एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन जो है यानी कि किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है इसी वजह से ये ज्वाइंट से होने वाली स्वेलिंग को और दर्द को भी कम करता है आगे देखिए जरा पिपरिन एक्सट्रेक्ट पिपरिन एक्सट्रेक्ट काली मिर्च से निकाला गया बायोएक्टिव कंपाउंड है जो कि कैप्साइन की तरह अल्कोलाइड भी होता है और पिपरिन एक्सट्रैक्ट जो है दर्द विरोधी है यानी कि दर्द को ये रोकता है कम करता है और जोड़ों में जो स्टिफनेस आ जाती है जकड़न आ जाती है उसको भी ये कम करता है इसके अलावा जो है वो डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है आगे देखिए जरा पूरी तरह से वीगन है हमारी जो टैबलेट है यानी कि इसमें किसी भी तरह का एनिमल या ये कह लीजिए नट्स से रहित है ये आमतौर पर आप बाजार में देखेंगे जो भी ग्लूकोसमेन प्रोडक्ट पाए जाते हैं वो नॉन वेज से तैयार किए जाते लेकिन माय रिचार्ज की जो हमारी ये ग्लूकोसमेन टेबलेट्स है ये पूरी तरह से वीगन है इसका अर्थ ये है कि पूरी तरह से ये पेड़ पौधों से बनाई गई है इसमें किसी भी तरह का सोया डेयरी प्रोडक्ट मछली शंख और पेड़ के पे नट्स नहीं है और ये हंड्रेड परसेंट शाकाहारी उत्पाद है यानी कि इसको किसी भी डेयरी प्रोडक्ट और नॉन वेज एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो उन लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेंडली है जो कि किसी भी तरह के एनिमल प्रोडक्ट से दूर रहना है चाहते हैं अब हम बात करते हैं कि देखिए इसकी हम तीन टैबलेट थ्री टाइम लेंगे एक जो सिंगल टैबलेट है वो वन थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी मिलीग्राम है यानी कि पूरे दिन की जो टोटल सर्विंग है वो तीन हजार तीन सौ नब्बे मिलीग्राम होती है इसमें हम ये चार्ट हमारे पास है इसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें डाले गए इसकी क्या वैल्यू है जैसे कि एनर्जी की वैल्यू है प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट फैट है और ग्लूकोमिन सल्फेट देखिए अठारह सो आप किसी बाहरी प्रोडक्ट से मिलाओगे आप इसका हाफ पाओगे एम जो है इसमें वन मिलीग्राम है जो की अपने आप पे बहुत प्रॉपर रेशियो डाली गई है यहाँ पे बॉसविला सरेटा एक्सट्रैक्ट जो है आप देखिए कि फिफ्टी mg है रोज हिप जो है 150 mg है, जिंजर एक्सट्रैक्ट भी 150 फिफ्टी है कुर्क्यूमा लौंगा जो है वो 75 फाइव है और इसके अलावा जो हमारा सरेटा है वो इसमें 450 फिफ्टी है या 45 फाइव के आसपास है तो ये सारा प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमें बताता है कि रियली में इतना सब कुछ इसको डाल के बनाया गया है और हमारे प्रोडक्ट की सबसे अच्छी पहचान ये कि मार्केट में जब कोई बंदा हम बात करते हो वो यही कहेगा जी आप बिल्कुल साफ साफ लिखते हो कि क्या डाला गया कितना डाला गया बाहर के किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी इस सप्लीमेंट का प्रयोग किसे करना चाहिए अब हम इसके बारे में बात करेंगे देखिए किसी भी प्रकार के जोड़ों के दर्द में चाहे कहीं पर भी है हाथ में है पैर में है एडी में है जोड़ों में जिनको अकड़न स्टिफनेस रहती है या स्वेलिंग रहती है मांसपेशियों में ऐठन जो आ जाती है गठिया से संबंधित जितनी भी इश्यूज है वहां पर आप रिकमेंड कर सकते हैं के लिए ये अपने आप में रामबान है एडी और पंजों के दर्द में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कलाई के दर्द के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जिनको खेलों के दौरान चोट लग जाती है और आसानी से रिकवर नहीं कर पाते तो वहां पर माई रिचार्ज का ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा काम करता है आगे देखिए जरा अब यहाँ पर बात चाहती है कि भाई इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो प्रेग्नेंट और जो फीडिंग मदर है वो कर सकती हैं या नहीं जो ग्लूकोस माइन है उसको गर्भावस्था के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है इवन जो फीडिंग मदर है जो बच्चों को दूध पिला रही है वो माताएं भी कर सकती है इसका किसी भी तरह का साइड इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट अभी तक नहीं पाया है ग्लूकोमाइन के प्रारंभिक उपयोग में कुछ छोटे छोटे साइड इफेक्ट देखे जाते हैं जैसे कि मतली या उल्टी जैसा लगना दस्त या सीने में जलन होना इस तरह के साइड इफेक्ट जो है छोटे से समय के लिए रहते हैं और कुछ ही दिनों में ये नॉर्मल हो जाते हैं और आपने इसको मिस नहीं करना अगर शुरू में ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपने इसको कंटिन्यू रखना है आगे देखिए जरा अब बारी आती है कि भाई कितने समय में हमें इन सारे पेन से राहत मिल सकती है अगर हम ग्लूको का इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम नॉर्मल बात करें दो से तीन साल पुराने जो दर्द है जोड़ों के दर्द है उसमें आपको बीस सर्विस यानी कि सिक्सटी टैबलेट जो है उसके बाद ही आपको आराम मिलेगा यानी कि सात टैबलेट के कंज्यूम करने के बाद ही लेकिन एक बार अगर आपको बेनिफिट हो जाता है तो उसको बंद नहीं करना आपने कंटिन्यू रखना है बल्कि नब्बे सर्विस यानी कि नाइन्टी डेज तक आपने इसको रेगुलर कंज्यूम करना है नब्बे दिन से पहले आपने इसको स्टॉप नहीं करना है परमानेंट इफेक्ट के लिए आगे देखिए उपयोग की विधि कि हम कैसे कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं दैनिक नाश्ते दोपहर और रात के खाने के बाद आपने एक एक सिंगल टैबलेट लेनी है कि दिन में तीन हो गई है और टोटल तीन टैबलेट का कंपोजिशन मैंने आपको बताया ही था तो ये सभी हमारे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी थी आई होप आप सभी को इससे बेनिफिट हो थैंक यू एवरी थैंक यू माई रिचार्ज और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले नव वर्ष की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग स्वस्थ रहे मस्त रहे माय रिचार्ज से जुड़े रहे इसी मंगल कामना के साथ मैं विदा लेना चाहिए